आज हम जी एंटरटेनमेंट के शेयर में अच्छी तेजी देख रहे हैं। दरअसल पुनीत गोयनका ने डिसाइड किया है, कोई एमडी का पद उन्होंने छोड़ दिया है, ऑपरेशनल भूमिकाओं में रहेंगे और सीईओ बने रहेंगे कंपनी के। हालांकि 9-10 दिन बाद शेयर होल्डर्स की बहुत ही अहम बैठक होने वाली है, उसके बाद ये भी डिसाइड होगा कि बोर्ड में उनकी पोजीशन क्या होगी। लेकिन 100 गिर के शेयर 115 रुपये के आसपास आ गया था, अब थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रहा है, चूंकि ज़्यादा पिटा था, थोड़ा सा एक्शन आ रहा है इसमें। इसको कैसे देख रहे हैं कुणाल, और जिन्होंने आज तेजी की है वो बुक कर लें या फिर लेके जाएं सौदे को? जैसे आप मार्केट की वोलेटिलिटी है, डेफिनेटली किसने लिया है तो बुक करके जाए, बट ओवरऑल मैं लॉन्ग टर्म भी बता देता हूँ कि स्टॉक अगर आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, जहाँ पे लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन इंटैक्ट है। अभी स्टॉक अपने क्रिटिकल सपोर्ट पे आ चुका है, 115 का जोन, यहाँ से भी हमने पहले स्टॉक में रैली देखी थी जो स्टॉक ऑलमोस्ट 360 के लेवल तक गया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बायर्स का एक पुश रहेगा ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने के लिए। तो अगर आप फ्रेश एंट्री ले भी रहे हो तो 115 का स्टॉप लॉस रखिए डाउन साइड पे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अगर ये सपोर्ट हेल्ड करता है तो एक अच्छी खासी रैली आ सकती है जो स्टॉक को एटलीस्ट 140 के लेवल तक लेके जा सकती है। ठीक है, 140 तक लेके जा सकती है शेयर को। जी एंटरटेनमेंट को लेकर ये व्यू।